हेलो फ्रेंड, दिस इज शशि। वेलकम टू लर्निंग स्पार्क। आज इस क्लास में हम टू डिजिट्स और थ्री डिजिट्स के जो मल्टीप्लिकेशन है उनको कैसे करते हैं वो सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। इसमें मैं पहले तो बता देती हूँ, अभी तक हमने जो करा जिसमें कि यूनिट डिजिट 5 हो, 9 की सीरीज वाला, 1 की सीरीज वाला, लेकिन इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन का हम इनके स्क्वायर निकालना सीखा। हम इसमें हम ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं और प्लस जो डिफरेंट होंगे इनसे उनको भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉमन ट्रिक है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि 63 मल्टीप्लाई बाय 42 कॉमन ट्रिक है, कुछ अलग से नहीं करना है। इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी और जो और भी क्वेश्चन है उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी, बशर्ते टू डिजिट्स के हो दोनों। सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। पहले यूनिट डिजिट को तो यूनिट डिजिट पर ही रखो। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6। आप इसमें जो क्रिस क्रॉस मेथड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, आंसर इज 24। 24 का 4 इधर लिख देंगे, 2 को हम कर देंगे कैरी। सेम फिर वही चीज, 6 4 24 24 + 2 = 26। तो दिस इज आवर आंसर। कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट्स को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। फिर हमें क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है इसमें, मतलब 6 को 2 से और 4 को 3 से। देन टेंस डिजिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करो और उन्हें आंसर आ जाएगा। जो कैरी है उसको कैरी ले दो। बस इतना याद रखना, जब क्रिस क्रॉस मेथड जब हम करेंगे इस उधर 6 को 2 से और 3 को 4 से, तो इनको आपस में हमें ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको लिख के कैरी लेना है। नेक्स्ट है, इसी के जैसा एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि 74 मल्टीप्लाई बाय 92। सेम वही प्रोसेस, कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर ही देंगे। तो 4 2 8 वही क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है। 4 7 2 14 9 4 36 36 + 14 इज 50। 50 का 0 कैरी गया 5। 7 9 63 63 + 5 = 68। दिस इज आवर आंसर। अगर इसको हम इस तरीके से ना लिखे, डायरेक्ट लिखकर अगर कोशिश करें तो कैसे होगा। जैसे कि आप 82 मल्टीप्लाई बाय 73, तो इसको हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं, यूनिट डिजिट को ये मेथड है, बट ऐसे इस तरीके से लिखा क्वेश्चन हो तो उसमें कैसे फॉलो होगा ये बता रही हूँ। मेथड यही है जो इसमें फॉलो करा, वही यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 यूनिट डिजिट्स को टेंस की डिजिट से और टेंस की डिजिट्स को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में अलग अलग। 3 8 20 3 8 20 4 7 2 14 आंसर इज 38। 38 का 8 कैरी गया 3। अब वही टेंस को टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 56 इनको ऐड करेंगे, आंसर इज 59। तो दिस इज आवर, यही ट्रिक है, बस उसको इस तरीके से कैसे फॉलो करना है, इस तरीके से लिखा हो तो यही बताया। ये बहुत ही इजी ट्रिक है। क्यों? अगर हम जो ट्रेडिशनल मेथड करते हैं उससे हमारा आंसर आता है 3 स्टेप में। इस मेथड के थ्रू जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा सिर्फ 1 स्टेप में और टाइम भी कम लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे ना 6-7 क्वेश्चन, तो उसके बाद ये वाला मेथड हमें ज़्यादा इजी लगेगा ट्रेडिशनल मेथड से। इसी तरीके से ये थे हमारे पास टू डिजिट नंबर। अगर हमें दिए हो 3 डिजिट्स नंबर तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 1 सेम यही मेथड फॉलो होगा इसमें भी। बस हमें इतना याद रखना है इसमें
यूनिट डिजिट्स को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, अब हो गया ना टू डिजिट, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से टू, क्रिस क्रॉस मेथड इसमें फॉलो करा, थ्री वन जा थ्री, टू टू जा फोर, सेवन, अब इसको भूल जाओ, अब ये याद रखो हमारे पास ये सारे नंबर है, तो फोर को मल्टीप्लाई करो वन से, टू को मल्टीप्लाई करो टेन से, थ्री को मल्टीप्लाई करो टू से, तो फोर वन जा फोर, फाइव टू जा फोर, वन जा फोर, फाइव टू जा टेन, थ्री टू जा, आंसर इज ट्वेंटी का जीरो कैरी गया टू। अब थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, इन्हें याद रखो, तो अब भाई टू डिजिट्स वाला मेथड अप्लाई करो, फोर टू जा एट, फाइव थ्री जा फिफ्टी, आंसर इज टेन प्लस टेन इज ट्वेंटी, फाइव का फाइव कैरी गया टू, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टू इज ट्वेंटी टू, तो दिस इज आर आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का हम, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है सिक्स नाइन टू मल्टीप्लाई बाय फाइव फोर थ्री, जो ट्रिक हमने इधर फॉलो करी है वही हम इधर भी फॉलो कर सकते हैं, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स का सिक्स, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, अब नाइन सेवन जा ट्वेंटी सेवन, नाइन थ्री जा सॉरी नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, फोर टू जा एट, अब जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर इज थर्टी, फाइव का फाइव कैरी गया थ्री, अब वही सिक्स को थ्री से, एटी टू को टेन से, टेन और नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा थर्टी सिक्स, क्या करा कैरी का थ्री हमारे पास था, थ्री को मल्टीप्लाई करा एट सिक्स से तो एटी, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो टेन, नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो थर्टी सिक्स, अब इनको आपस में क्या कर देंगे ऐड, अब ऐड कैसे करना, ये है हमारे पास थर्टी सिक्स प्लस थ्री इज थर्टी नाइन, थर्टी नाइन प्लस टेन इज फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन प्लस टेन इज फिफ्टी नाइन, फिफ्टी नाइन प्लस एट इज सिक्सटी सेवन, सिक्सटी सेवन का सेवन कैरी गया सिक्स, अब वही मेथड, इसको भूल जाओ बस सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करो, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स थ्री जा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, अब ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स इज थर्टी, थर्टी प्लस फोर्टी फाइव इज सेवेंटी फाइव, सेवेंटी फाइव का फाइव कैरी गया सेवन, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी प्लस सेवन इज थर्टी सेवन, तो दिस इज आर आंसर। इस ट्रिक को हम मैं फिर से कह रही हूँ, स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब ये बहुत ही ईजी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी, मतलब टाइम भी कम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये हमारा। दूसरी बात, अगर हमारे पास ये तो हो गया थ्री डिजिट का, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो सेवन एट नाइन मल्टीप्लाई बाय थर्टी टू, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जीरो अज्यूम कर लेंगे और सेम मेथड यही फॉलो करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे थे। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।